दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जहां तक आप सभी को अपडेट मिल गई होगी दोस्तों, वर्ग सेकेंड काउंसलिंग यानी वर्ग एक और वर्ग दो की सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है और इस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग की भर्ती होगी। दोस्तों कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग की भर्ती होना है मैं आपको बताना चाहता हूं। करीब 700 पद वर्ग एक में और वर्ग दो में दोस्तों, करीबन 5000 पदों पर अपडेट चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसको लेकर मैं आपको क्लियरिटी बता दूंगा, ये मेरा अनुमानित आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि 5000 वर्ग दो में 5000 पद। अब इसका क्या होगा, वर्ग तीन में जो पास हैं वो अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वही अभ्यर्थी वर्ग एक में भी क्वालिफाइड है, वर्ग दो में भी क्वालिफाइड है और वर्ग तीन में उनके 110 से 115 नंबर हैं। अब जिनकी रैंक 20,000 आ रही है दोस्तों, उनकी रैंक 17,000 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है। एम मेरा अनुमान, मैं मेरे जजमेंट से आंकड़ा मैंने बनाया दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद में गेस्ट कोटा पर भी चल रहा है, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे उसको लेकर मैंने वीडियो डाली थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुभव प्रमाण पत्र आपने जिस स्कूल में भी काम किया हो उसका सारा रिकॉर्ड लेके आपको संकुल में जाना है और संकुल के माध्यम से आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी, जिससे आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है GFMS पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और वहां से आप एक प्रिंट निकलवा के उसको आपको सर्टिफाई कराना होगा। अगर आप जिला शिक्षा अधिकारी से सर्टिफाई करा लेते हैं या संकुल प्राचार्य से सर्टिफाई कराते हैं तभी आपको मान्य होगा वो। अब कुछ भाई तो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि यार सेकंड काउंसलिंग, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए फिर निराशाजनक खबर दोस्तों। और जो लगाया अतिथि शिक्षक फिर हटेगा, क्या अच्छी बात है? एक को रोजगार मिलेगा और एक का रोजगार छिनेगा दोस्तों, ये हो रहा है। और अगर ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती, अब मात्र गिने चुने अतिथि शिक्षक रह जाएंगे तो उनका नियमितीकरण होगा या उनकी विभागीय परीक्षा होगी, होना उनका भी कोच है क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी हो रही है, वर्ग तीन की भर्ती भी हो रही है दोस्तों। सारे आदेश इसी साल आ रहे हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि जो बचे हुए अतिथि शिक्षक हैं, क्या अतिथि शिक्षकों की एक विभागीय परीक्षा होगी, उस विभागीय परीक्षा को मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो अतिथि शिक्षक शांत हो जाएंगे। अतिथि शिक्षकों के ज्ञापन से सरकार भी थोड़ा घबरा रही है कि यार ये भी बहुत ज्ञापन दे रहे हैं तो इनका रास्ता कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका एक एग्जाम ले लिया जाएगा, उस पर मेरिट बनाई जाएगी और नाम मात्र के पद बचेंगे क्योंकि अब प्रमोशन और शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग तीन, वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग, वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग होना है तो वर्ग दो में कुछ ज़्यादा पदों की लग रही है क्योंकि पहले वर्ग दो में बहुत कम पद थे। तो पद बढ़ोतरी को लेकर बहुत से अपडेट थे, बहुत से ज्ञापन दे रहे थे जिन्होंने पेपर क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, ज्ञापन ही देते रहे मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन भोपाल में क्या, उज्जैन में क्या, इंदौर में क्या, सेकंड काउंसलिंग को लेकर हजारों लाखों अपडेट आ रहे थे और कल दोस्तों उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय ने। अब क्या प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सारी चीज़ें अपलोड करने के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन भाई परीक्षा में पास हैं और जिनके अच्छे नंबर हैं, वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम थे तो उनका नंबर तो अब लग ही जाएगा और वो भी शिक्षक बनेंगे वर्ग दो और वर्ग एक के, लेकिन वर्ग तीन में भी चल रहा है, वर्ग तीन के भी बनना है तो वर्ग तीन में बहुत बड़ा चेंजिंग हो सकता है।
क्योंकि एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है, उसने वर्ग एक भी फाइट किया है, वर्ग दो भी फाइट किया है और वर्ग तीन भी फाइट किया है और उसका तीनों जगह से सिलेक्शन हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं तीनों जगह से उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो एक व्यक्ति तीन जगह तो नहीं कर सकता दोस्तों। अगर वो एक जगह करता है तो दूसरे वाले का वर्ग दो में उसका नंबर आएगा, तो वर्ग दो में उसके बाद वाला जो होगा वो फाइट कर जाएगा। और अगर वो वर्ग दो में वो उसका भी वर्ग एक में हो जाता है तो वर्ग तीन वाले के लिए जो पांचवें नंबर पे है दोस्तों, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये होना है सारी चीज़ें। इसको लेकर मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ दोस्तों, आपके मन में क्या है आप ज़रूर बताइएगा। बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, मैंने एक वीडियो में बताया था कि बेरोजगारी का आकलन करने के लिए हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। 1,00,000 पदों पर सरकार का अपडेट चल रहा है, इस वर्ष 1,00,000 पदों पर हमें भर्ती करना है, ये उनका टारगेट। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यार 1,00,000 पदों पर भर्ती होगी बची खुची। और मेरा विचार है, मैं आपको मेरा विचार बताना चाहता हूँ। मेरा विचार है, सबसे पहले जो 10-15 साल से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा था, इसके लिए कुछ अलग से किया जाता। और वास्तव में हमारे शिक्षा विभाग में भी पद बहुत खाली हैं कि अतिथि शिक्षक भी नियमित हो जाते और ये इतनी भर्ती हुई है ए भी हो जाती, फिर भी बचे पद खाली रह जाते, ये आप भी जानते हैं। फुल स्टाफ तो आपको गिने चुने स्कूलों में ही मिलेगा दोस्तों, और ये भर्ती होने के बाद भी कहीं पर भी फुल स्टाफ नहीं होगा, वहाँ भी एक दो पद खाली रह ही जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत से मोटिवेशन अतिथि शिक्षकों के लिए मैंने वीडियो डाली हैं, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भी आप जैसा ही एक आम अतिथि शिक्षक हूँ दोस्तों, और मैं भी एक ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, तो मुझ में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो मैं भी आपको एक मार्गदर्शन